दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी दबाइए, और उसके साथ वो बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट हमेशा मिलती रहे। हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल, दिस इज अर्शल मुदीराज, और आज का वीडियो होने वाला है स्कॉट स्टाइनर के ऊपर। सो मुझे पता है कि बहुत लोग हैं जो स्कॉट स्टाइनर को बचपन से जानते होंगे, क्योंकि हमारा बचपन गया है WWE और WWF और TNA जिसे वर्ल्ड क्लास रेसलिंग फेडरेशंस के शोज़ देखते हुए 10 स्पोर्ट्स के ऊपर। मुझे पता है मंडे ट्यूसडे और थर्सडे को इनका जब रिपीट टेलीकास्ट होता था तो हम रिपीट टेलीकास्ट भी नहीं छोड़ा करते थे। सो WWE में आपके मुझे पता है बहुत सारे आइडियल्स होंगे, बहुत सारे बेस्ट रेसलर्स होंगे, लेकिन एक ऐसा रेसलर भी था जिसकी फिजिक को देख के आप जॉ ड्रॉपिंग ज़रूर हुई होगी आपकी, और आपने सोचा होगा कि इतनी अमेजिंग फिजिक WWE के स्टेज पे हमने कभी देखी नहीं। सो स्कॉट स्टाइनर उनमें से एक थे, और बचपन में हमने बहुत देखा है स्कॉट स्टाइनर को रेसलिंग करते हुए। सो आज का वीडियो है कि क्या स्कॉट स्टाइनर एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन सकते थे, और अगर वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनते तो उनका स्कोप और उनका करियर कितना अच्छा होता एज़ कम्पेयर टू WWE। सो हम सभी जानते हैं कि स्कॉट स्टाइनर की फिजिक कितनी वर्ल्ड क्लास थी और कितनी अमेजिंग बाइसेप्स थे इनके। बाइसेप्स इनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, और मैं समझता हूँ कि जो इनकी लैट्स की मसल है वो बहुत ही इनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट थी। सो देखते हैं कि स्कॉट स्टाइनर ने बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट क्यों नहीं किया और एज अ रेसलर अपना प्रोफेशनल रेसलर को करियर चूज किया अमेरिका में। सो बात करता हूँ थोड़ी बहुत स्कॉट स्टाइनर के ऊपर, आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सो स्कॉट स्टाइनर का जन्म हुआ था 29 जुलाई 1962 अमेरिका में, और उनका रेसिडेंस था डेटोरियट मिशिगन में। जो उनके भाई थे रिक स्टाइनर, वो भी उनके साथ कम्पीट किया करते थे, जो TNA और इम्पैक्ट वर्ल्ड टैग टीम चैम्पियनशिप हुआ करती थी। तो वहाँ पे टैग टीम में जो रेसलिंग होती है, यानी कि दो रेसलर्स टैग टीम में खेलते हैं, तो उनके साथ उनके भाई रिक स्टाइनर कम्पीट किया करते थे। सो स्कॉट स्टाइनर की हाइट थी 6 feet 1 inch, जो इक्विवेलेंट है 185 centimeters, और उनका वेट ऑलमोस्ट था 270 pounds, जो इक्विवेलेंट है 125 kilograms। स्कॉट स्टाइनर ने जब अपनी रेसलिंग की शुरुआत की थी, प्रोफेशनल रेसलिंग करियर की शुरुआत की थी, सो जिस ट्रेनर ने उनको ट्रेन किया था रेसलिंग के लिए, उस ट्रेनर का नाम था डॉक्टर जेरी ग्रैमन जूनियर। सो इनके अंदर स्कॉट स्टाइनर ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, और अपना डेब्यूट सबसे पहले उन्होंने किया था 1986 में। स्कॉट स्टाइनर ने डॉक्टर जेरी ग्रैमन के साथ ट्रेन किया टोरियोस के हेल्थ क्लब ओहायो में, और वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था August 14, 1986 में। सो वहाँ से उन्होंने अपनी रेसलिंग करियर की शुरुआत की, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करते तो शायद थोड़े फेमस हो जाते, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग उस समय बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा था, जिस तरीके से अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो मेन स्ट्रीम के बॉडी बिल्डर्स उसको प्रमोट किया कर रहे थे। अगर स्कॉट स्टाइनर बॉडी बिल्डिंग कम्पीट करते तो शायद नाम कमा लेते। आप देख सकते हैं कि मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो फिजिक है वो रियली उस ज़माने में वर्ल्ड क्लास थी। अभी तो स्कॉट स्टाइनर बहुत ही ओल्ड हो चुके हैं, और WCW के जो फेडरेशन है उसको हमेशा कोसते हैं और कहते हैं कि WCW में हमेशा पार्शलिटी होती थी, और जो मेन स्ट्रीम रेसलर्स थे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिला करता था। सो उनका अर्ली करियर स्टार्ट हुआ था 1986 से, लेकिन 1989 में जब उन्होंने ट्रेन किया और जो लोकल कॉम्पिटिशन्स में खेल के उन्होंने अपना मेन स्ट्रीम रेसलिंग में उन्होंने पहली बार कम्पीट किया। सो स्कॉट स्टाइनर का असली नाम है स्कॉट स्कॉल रिच स्टाइनर। सो ये उनका असली नाम है, और उनका स्टेज नाम था स्कॉट स्टाइनर। सो स्कॉट स्टाइनर जाने जाते हैं अपने बाइसेप्स के लिए। आप देख सकते हैं कि अगर आप मेरी तरह अगर रेसलमेनिया और स्मैकडाउन रॉ ये सब अगर उस ज़माने में देखा करते थे, तो आपको पता है कि स्कॉट स्टाइनर की जब भी एंट्री होती थी तो अपने बाइसेप्स को फोकस किया करते थे, जैसे कि एक फ्रंट डबल बाइसेप्स का जो शॉट होता है बॉडी बिल्डिंग में, उसी तरीके से वो दिखाया करते थे और अपने बाइसेप्स को किस किया करते थे और दिखाते थे कि देखो कितने वर्ल्ड क्लास बाइसेप्स हैं मेरे। कहा जाता है कि स्कॉट स्टाइनर की बाइसेप्स की मेजरमेंट, यानी कि उनके आर्म्स की मेजरमेंट ऑलमोस्ट 21 inches थी। सो बहुत ही अच्छे और बहुत ही डिफाइंड और वर्ल्ड क्लास आर्म थे इनके। सो स्कॉट स्टाइनर को इंजरी हो गई थी WCW में, एक लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी हो गई थी जब वो खेल रहे थे, और उनका थ्रोट में उनको एक किक लग गई थी और थ्रोट में से उनकी ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई थी। सो वहीं से उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, और वहाँ पे उनको ऑपरेशन हुआ था, और उनको वापस एक स्टेप बैक लेना पड़ा अपने रेसलिंग करियर में से।
सो 2004 में उन्होंने वापस एक कमबैक किया था WWE में. सो अक्टूबर 2002 में स्टाइनर ने एक 3 साल का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और कहा था कि मैं सर्वाइवर सीरीज जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ था नवंबर 17th में वहां पे आके कम्पीट करूंगा. सो स्कॉट स्टाइनर ने मैक हार्डी और क्रिस्टोफर नोवांस्की के साथ एक फाइट की थी, उसमें न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था ये, और वहाँ पे ही वो जीत भी गए थे. सो 3 साल तक उन्होंने वापस कम्पीट किया था अपने रेसलिंग करियर में और वहाँ से उन्होंने पीछे हटा, स्टेप बैक लिया और फिर WWE से उन्होंने क्विट कर दिया. सो बात करते हैं स्कॉट स्टाइनर की फिजिक के बारे में. आप जैसे देख रहे हैं जो अमेजिंग फिजिक है स्कॉट स्टाइनर की, अगर बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करते तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा नाम कमा लेते. दिक्कत यही बात थी कि उस समय जो बॉडी बिल्डर थे 1986 में ली हेनी का जब एरा चल रहा था, ली हेनी उस समय के मिस्टर ओलंपिया थे और इतनी ली हेनी की जो वर्ल्ड क्लास फिजिक थी उस जमाने पे, तो मुझे लगता है स्कॉट स्टाइनर ली हेनी से आप कंपेयर नहीं कर सकते. ली हेनी एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे थे लेकिन स्कॉट स्टाइनर भी थे लेकिन इतने नहीं कि जो आप मिस्टर ओलंपिया में जो फिजिक दे सके. मुझे लगता है कि स्कॉट स्टाइनर ने एक करेक्ट डिसीजन लिया कि WWE से ही स्टिक रहे और WWE में ही उन्होंने अपनी फिजिक को रिप्रेजेंट किया. ये था मेरा वीडियो स्कॉट स्टाइनर के ऊपर जो इतनी अमेजिंग फिजिक लेके आए थे. डाउन द करियर उनको बहुत सारी इंजरीज भी हुई थी और उनके जो बाइसेप में टेयर हो गया था, उसके बाद उनके चेस्ट में बहुत सप्रेशन आ गई थी, तो उसकी वजह से उनको स्टेप बैक लेना पड़ा था WWE से और फिर बॉडी बिल्डिंग में भी उनका कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि जो इंजरीज हुई थी और उसके कारण उनकी जो फिजिक है वो बहुत ही सिमेट्री से बाहर हो गई थी. ये था मेरा वीडियो स्कॉट स्टाइनर के ऊपर. आई होप आपको पसंद आया होगा. ये मुझे बताने का यही पर्पस था कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में नहीं लेकिन एक जो बाकी एथलीट्स होते हैं वहाँ पे भी एक वर्ल्ड क्लास फिजिक होती है इनकी और स्कॉट स्टाइनर उनमें से एक थे. मुझे बताइए कैसा लगा आपका वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, उसी के साथ वीडियो को शेयर कर देना. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का आइकॉन है, उसको क्लिक कीजिए. सब्सक्राइब आइकॉन क्लिक करेंगे तो आप ही को फ़ायदा है क्योंकि जब भी मैं कोई ऐसी नई वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब के ऊपर तो आपके फ़ोन, PC और टैबलेट पर नोटिफिकेशन आएगी और आप मेरी वीडियो सबसे फर्स्ट देख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. आई एम हर्षल मुदिराज साइनिंग आउट.